दोस्तों, यह है हमारे पास एक एलईडी टीवी। ये देख सकते हैं चाइना कंपनी आएवा। इस पर प्रॉब्लम यह आ रही है कि स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद इसमें कुछ चित्र नहीं आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर। ये 1755 है। तो हम इसी को आज देखेंगे कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है सही। मैं इसमें एक बार आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये इसका एडाप्टर रहा। मैंने ये एडाप्टर कनेक्ट कर दिया और ये पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रेड लाइट जल चुकी है। अब मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ। ये मैंने करा, ये हमारा रिलीज हो चुका है। पर हमारी कोई पिक्चर नहीं है इस पे, आप देख सकते हैं। तो हम इसको आप खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। इसको रखता हूँ साइड में। ये तो किसने कर दिया, खुल ही नहीं रहा है।
अब हम दोस्तों इसमें चेक करते हैं कि ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम इसका ग्राफिक चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने लगा ली, ये मेरा स्टैंड वाइप आप देख सकते हैं, ये है। फोन देना, फ्लैश जला के। आप इसमें ऐसे फ्लैश जला के देख सकते हैं कोई ग्राफिक तो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई ग्राफिक नहीं दिख रहा, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हम इस पैनल को खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल कार्ड है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं, ये रहा। अब हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारी, क्योंकि स्टैंड वाई तो हमारा रिलीज हो रहा है, लेकिन जो बैक लाइट होती है और ये है हमारा, इसको शायद मेरी सप्लाई नहीं जा रही है। हम उस स्तर से देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। हम अब मीटर से इस पर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा और इधर को रखूं, ये आप देख सकते हैं स्टैंड बाई की लाइट मेरी ग्लो हो गई है। ये मेरा स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है। सबसे पहले मैं इनपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, आप यहाँ पर मीटर में देखते रहें। ये मेरे देख सकते हैं 12 वोल्ट क्या है, प्रेजेंट हैं 12 वोल्ट। जैसे ही हमारे प्रेजेंट हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो VCC होता है LVDS में, हम ये VCC पिन पर वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे 7.3 ही वोल्ट दिखा रहा है VCC, तो ये क्यों दिखा रहा है हम इस पर भी देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे से इसको ये रिमूव कर लेता हूँ, पत्ता हमारा LVDS का ये मैंने कर लिया। अब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ किससे दिखा रहा है। ये मेरे बैक लाइट वाले जो कनेक्शन है उस पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये बैक लाइट वाला पत्ता है मेरा। यहाँ पर जो कनेक्टर होता है, जो ये बैक लाइट ड्राइवर को जा रहा है, ये इस पर जो 12 वोल्ट प्रेजेंट होने चाहिए वो देख सकते हैं नहीं हो रहे हैं। और जो 5 वोल्ट IR को जा रहे हैं वो मेरे 7.4 वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद जो VCC है जो पैनल को जा रहा है वो भी मेरा कुछ कम है। ये आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज भी मेरा कम है और यहाँ पे मेरा कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। ये
तो शायद मेरे इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसका पत्ता भी निकाल देता हूँ। ये बैकलाइट ड्राइवर का ये मैंने निकाल दिया, और अब मैं इसको निकाल करके इसका प्लग निकाल करके दोबारा पावर इन करता हूँ, और यहाँ से दोबारा स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ मैं इसकी। ये मैंने स्टैंड बाई रिलीज कर दिया है, ये मेरी जल चुकी है ग्रीन लाइट। और अब हम देखते हैं इसके वोल्टेजों में क्या है स्थिति। ये मैंने इसका ग्राउंड ले रखा है, और ये मैं अब इधर 12 वोल्ट चेक कर रहा हूँ, तो मेरे अब भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो मैं अंदर जो इसके रेगुलेटर सेक्शन है उसको भी चेक कर लेता हूँ, यानी मुझे ये कार्ड खोल के निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही चेक होगा। तो मैं यहाँ से इस कार्ड को निकाल लेता हूँ। ये मैंने कार्ड को निकाल लिया दोस्तों, ये इस पर पहले हम ध्यान से देखेंगे कोई चीज़ हमारी जली तो नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि जिससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखते हैं, और इसके जो अलग अलग वोल्टेज हैं उनको हम चेक करेंगे। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम स्टैंड वाइज से पहले एक बार वोल्टेज को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे प्रेजेंट वोल्टेज दिख रहे हैं। ये मैंने ग्राउंड में लगाया, ये रहा मेरा मीटर, ये बस ये देख सकते हैं, ये मेरे 15-16 वोल्ट इससे मेरे निकल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का जम्पर है, ये 16 वोल्ट। अब मैं इस पर चेक करता हूँ, शायद मेरा लोड नहीं पड़ रहा है उस वजह से 16 वोल्टेज बंद दिख रहे हैं, लेकिन ये 12 वोल्ट है, दिखा 16 वोल्ट रहा है। तो मैं इसको दोबारा से इन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ रेगुलेटर लग रखे हैं मेरे, वहाँ पे मैं जाते यहाँ पे 3.3 वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, यानी मेरा हर वोल्टेज बढ़ के बन रहा है। ये 3.3 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरे रेगुलेटर लग रखे हैं, ये एक 3.3 का है, एक 1.2 का है। तो मैं इसकी पिन पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, ये 5 वोल्ट हमारा आउट, ये रहा 3.3, 5 वोल्ट इन ले रहा है, 3.3 आउट ले रहा है, ये 3.3। और ये देखते हैं 1.2 के करीब वोल्टेज होना चाहिए इसमें, लेकिन इसमें कोई ऐसा वोल्टेज नहीं है। इसके लिए छोटा वाला दे रखा है यहाँ पे 5 वोल्ट इन, लेकिन आउट ये रहा। और जो हमारा ये बायोस है इसके देख लेते हैं हम, 3.3, यानी इसमें भी वोल्टेज हमारा प्रेजेंट है। ये हमारा जो बैक लाइट के लिए था इस टाइम पे, तो 12 वोल्ट दिखा रहा है, और कब दिखा रहा है ये 12 वोल्ट आप देख सकते हैं, जब स्टैंड बाई रिलीज नहीं हुआ है। और जैसे ही मैं स्टैंड बाई रिलीज करूँगा इसको, ये मेरा स्टैंड बाई रिलीज हो गया, लेकिन 12 वोल्ट मेरा अभी भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ चुका है। तो अब मैं बाकी और वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ, जैसे मेरा ये यहाँ पे का वोल्टेज है 3.3, ये वोल्टेज आ गया 1.8, यानी ये रैम वोल्टेज है हमारा 1.8, ये आ रहा है, जो ये रहा DDR3, ये भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये जम्पर हमारा 5 वोल्ट पे ही कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये 5 वोल्ट दिखा रहा है, उस टाइम ये 7 वोल्टेज हो गए थे यही वाले, और ये वाले हमारे ये भी काफ़ी कम थे, 12 वोल्ट वाले जो बैकलाइट को जाते हैं। तो ऑल ओवर ये हमारा इस टाइम पर तो पूरा ठीक ही दिखा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये आप देख सकते हैं।
ये हमारी 5 वोल्ट की कॉइल लगी है, ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन है, ये इसको देख सकते हैं 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है, 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है और ये 5 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपको मैं इसमें कुछ बता दूं, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा नज़दीक से, बस बस यहाँ से हमारा 12 वोल्ट जैसे इन होता है तो ये हमारा डायोड लगा है ताकि अगर हमारा ये वोल्टेज उल्टा भी चले जाए तो हमारा सर्किट को कोई डैमेज ना हो, वोल्टेज आगे बढ़ेगा ही नहीं। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बता भी रखा है कि डायोड एक ही वोल्टेज, एक तरफ से वोल्टेज जाने देता है, एक तरफ से नहीं आने देता है, प्रोटेक्शन के लगा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारा 12 वोल्ट का मेन फिल्टर कैपेसिटर हो गया, उसके बाद ये रेगुलेटर सेक्शन हो गया, हमारा रेगुलेटर ऐसी हो गई, ये हमारी 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलती है, ये 5 वोल्ट की कॉइल हो गई और ये इसका कैपेसिटर हो गया 5 वोल्ट का। यहाँ से हमारा ये रेगुलेटर लग रखा हुआ है आपका, ये 3.3 वोल्ट यानी 5 वोल्ट इन लेगा और 3.3 वोल्ट आउट लेगा, आप देख सकते हैं मीटर में। और उसके बाद ये हमारा अगला रेगुलेटर लग रखा है 1.8 रैम वोल्टेज को जाने के लिए, जो ये 3.3 वोल्ट है ये हमारा जो बायोस है इस पर भी जाता है, और जो हमारा 5 वोल्ट 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट के लिए कनेक्टर दे रखे हैं, ये है आपका 3.3 वोल्ट का है, ये हमारा 12 वोल्ट का है, थोड़ा वोल्टेज इसमें हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे जो लग रखा है ये हमारा 5 वोल्ट का कनेक्टर है, उस पर हमारा ये जम्पर, ये जैक ब्लैक सा दिख रहे हैं, ये उखाड़ के इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, वो उसके लिए दे रखा है। तो हम एक बार इसको और कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या स्थिति आती है निकल के। उसके लिए पहले मैं इसका पावर ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया पावर ऑफ। तो मैं बैक लाइट को जोड़ता हूँ, पहले हम ये चेक कर लेंगे कि बैक लाइट हमारी सही है या नहीं है। ये देख सकते हैं हमारा बैकलाइट ग्लो करा था, लेकिन ये स्टैंड बाई, फिर से स्टैंड बाई में आ गया है, तो मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ और हमारा बैकलाइट ग्लो करता है नहीं करता देखे, तो फिर से हमारा बैकलाइट ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये अभी अभी तो ग्लो करा था लेकिन अब हमारा फिर से बैकलाइट ग्लो नहीं करा। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो है इसमें, किधर सेक्शन में हम उसको चेक करते हैं, मैं जैसे इस पर यहाँ और यहाँ मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, 12 वोल्ट हमारा प्रेजेंट है, तो अगर हमारा यहाँ 12 वोल्ट प्रेजेंट है तो हमारा बैकलाइट नहीं जल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इस सेक्शन में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है ये, क्योंकि 12 वोल्ट हमारा यहाँ प्रेजेंट है। एक बार हम फिर से इसे ऑफ करते हैं और फिर लगाया, फिर बैकलाइट ग्लो करी, फिर बंद हो गई। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें LVDS का भी पत्ता लगाता हूँ, लेकिन बैकलाइट का निकाल देता हूँ इस बार। ये मैंने बैकलाइट का निकाल दिया है, इसको हम यहाँ पे को रख देते हैं ऐसे होल्ड करके, तो अब हम इसका जो पत्ता है उसको लगा देते हैं।
ये हमारा लग चुका है दोस्तों पक्का। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लाइट किस तरीके से बिलिंग मार रही है। इसको मैं रिलीज करता हूँ। ये हो गई हमारी ग्रीन। अब हम इस पर देखते हैं कुछ दिख रहा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये इन करा है और उसके बाद आप यहाँ पर को लगाएं। मैंने बैकलाइट का ये कनेक्टर निकाल दिया है ये देख सकते हैं। और ये रहा मेरा यहाँ पर। अब मैं स्क्रीन वायर रिलीज कर रहा हूँ। आप गौर से देखना है इधर पे को कहीं पे को आपको इसमें लिखा हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं हल्का सा दिख रहा है। दिख रहा है हाँ ये छाप सी दिख रही है। ये चले गई तो मैं फ्लैश जला करके फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट इसको मैं ऑफ करता हूँ। इसको चालू करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा सैमसंग लिखा हुआ आ गया है पूरा स्क्वायर में। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये। और मैं आपको ये लगा के भी दिखाता हूँ किसी किसी टाइम। ये देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन बन गई है। लेकिन इधर देख सकते हैं इस तरफ भी दिखा दें। ये जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ तो स्क्रीन भी देखना स्क्रीन में आ रही है। लेकिन ये हमारा ये चालू हो गया यानी ये बैकलाइट का जो ये है हमारा कार्ड इस पर आप देख सकते हैं। मैं इसको जोड़ता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए चालू होता है फिर बंद हो जाता है। चालू होता है और ये बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा ये कार्ड है जो बैकलाइट का ये हमारा ख़राब हो चुका है। ये आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये कार्ड हम बदलते हैं। इसको हम चेंज करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये मेरा ये न्यू इन्वर्टर बोर्ड है। कार्ड आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिख रखा है 15 से 22 इंच तक जो एलसीडी होती हैं उनके लिए है ये इनपुट। 10 से 30 वोल्ट तक इनपुट होगा। ये इसकी बूस्टअप कॉइल है। ये मैंने इस तरह निगेटिव वोल्टेज इस तरह पॉजिटिव वोल्टेज इसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं ये जो कार्ड का नंबर देख सकते हैं आप CA4029 इसका कार्ड का नंबर है। अब मेरी जो ये देख सकते हैं पैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी मेरी इसकी प्रॉब्लम थी बाकी और किसी की नहीं थी। अब ये एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ये मेरा कार्ड लगा हुआ है मैं इधर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मेरा कार्ड लगा हुआ है। ये तो ये मेरी अब परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।